बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ए ग्रेट सोलर के एक और व्लॉग के साथ खुश आमदीद। आज के व्लॉग के अंदर हम फ्रोनस के सबसे बेसिक वेरिएंट, जो कि एमपीपीटी बेस्ड वेरिएंट है, 1.4 केवी है, उसका रिव्यू करेंगे कि इसकी टोटल लोड बेयरिंग कैपेसिटी कितनी है और कितने सेफ जोन में आप इसको चला सकते हैं। इस वेरियंट के अंदर स्टार्टिंग में काफी सारे इशूज आए थे। देखिये, एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि ये यूपीएस का नेमुल बदल है, मतलब प्योर साइन वेव नहीं है, बेसिक यूपीएस है। अगर आप 400, 500 वाट का या 600 वाट का लोड इस पे रन करना चाहते हैं तो ही ये आपके लिए आइडियल होगा, अदरवाइज ये आपके लिए आइडियल चॉइस नहीं है। तो इस पे कितना लोड हम रन कर सकते हैं, इस वक्त इस सिस्टम के ऊपर एक सीसीटीवी सिस्टम रनिंग है, दो एसीडीसी पंखे रनिंग है और हमने इस पे ड्रिल मशीन, जो एलटी ड्रिल जिसे कहते हैं, वो रन करके इस पे हमने चेक किए। तो आप इस वीडियो के साथ जुड़े रहें और आखिर तक देखेंगे ड्रिल मशीन के साउंड के साथ कि ये कितना झटका लेता है और कितना लोड रन कर रहा है। आई होप कि आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी और आप इसकी कैपेसिटी के बारे में भी जान जाएंगे। आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा होगा कि इसके ऊपर जो है वो 1.2 लिखा हुआ है केवीए, ये रिपेयर होके आया हुआ है, इस वजह से ये रिप्लेस हो चुका है सर्विस सेंटर के अंदर। बेसिकली 1.4 केवीए का वेरियंट है, फ्रोनस का इन्वर्टर है, ये यूपीएस का नेबल बदल है और इसकी प्राइस जो है वो अब जो है वो 20,000 की रेंज के अंदर है आफ्टर टैक्सेशन। इससे पहले ये तकरीबन 15,000 से 15,500 रुपए का मार्केट में अवेलेबल था। तो इस हवाले से अगर आपके मजीद भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फ्रेंड्स, आपने देखा कि इस पर हमने ड्रिल मशीन का लोड रन किया था और लोड रन करने के बाद आपने देखा कि इसने टॉर्क भी उठाया है। एलटी की ड्रिल जो है वो इस पर सक्सेसफुली रन हो रही थी। जो बैटरी के वोल्टेज ड्रॉप कर रहे हैं वो इसी की वजह से कर रहे थे कि इसकी 100% कैपेसिटी यूज़ हो गई थी, मतलब कि अगर आपने इस पर सेफ लोड रखना है तो वो 600 वाट का लोड है आपका, उसमें आप अपने लाइटें, पंखे, सॉफ्ट लोड जिसमें टॉर्क वगैरह शामिल नहीं है वो आप इस पर ईजिली रन कर सकते हैं, ये इन्वर्टर आपको परेशान नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा बेदर्दी से और केयरलेसनेस से आप इसको चलाएंगे तो ये आपको परेशान करेगा, बार बार सर्विस सेंटर के चक्कर लगवाएगा। तो बेसिकली ये बेसिक वेरिएंट है। अगर आपका डीसी इन्वर्टर, फ्रिज है तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लाइटें पंखे लगा लें उसके लिए बेस्ट है। ट्यूबलर बैटरी मैं इसके साथ रेकमेंड नहीं करता क्योंकि ये जिस जगह पर लगा हुआ है वहाँ पर इतना यूजेज नहीं है, जिसकी वजह से हमने यहाँ पर बैटरी डाली हुई है। आगे चल के इन्वर्टर यहाँ पर रिप्लेस करना है तो टेस्ट पर्पज़ के लिए, क्योंकि ये रिपेयर होकर आया है, हमने इसको यहाँ पर लगा कर चेक किया हुआ है। तो इस प्रोजेक्ट को हमने कोशिश की है कि इसको पूरा फुल प्रूफ बनाएं, सिक्योर करें। तो ये सिक्योरिटी के लिए इसमें सारे वोल्टेज प्रोटेक्शंस, एसपीडी और एसी फ्यूज़ जो हैं वो हमने इसमें डाले हुए हैं ताकि किसी भी किस्म का जो प्रॉब्लम हो तो वो इन्वर्टर को उड़ाए बगैर जो है वो सॉल्व हो सके। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और आप अपने ओपिनियन से हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम।